चलिए एटलीस्ट बिग बॉस इस बार कैप्टनसी टास्क नहीं, तो एटलीस्ट बिग बॉस जो है कोई कैप्टन नहीं बना रहा, तो टाइम गॉड तो बना रहा है। पिछली बार जो है बिग बॉस ने बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में जो है बाहर वाला बना दिया था, और कुछ ना कुछ चीज़ें नई जो है वो बिग बॉस करते रहते हैं। चलो मज़ेदार होना चाहिए, करते रहो कुछ अलग अलग चीज़ें, पर मज़ेदार होना चाहिए भाई। बाहर ऑडियंस बैठी है, टीआरपी देती है, इसीलिए देती है क्योंकि तुम लोग जो है ऑडियंस को मज़ा देने के लिए बने हो और तुमको मज़ा देना पड़ेगा। टाइम गॉड का जो आप लोगों ने अब प्रोमो देखा, मज़ेदार लगा? सच्ची सच्ची बोलना, मज़ेदार लगा या नहीं? मेरे को बहुत मज़ेदार लगा। और एक तो एक्टिविटी एरिया में इन्होंने एक्टिविटी एरिया को खोल दिया है, एक्टिविटी एरिया में जो है एक्टिविटीज़ जो है वो होने लग जाएगी। मैं तो चाहती हूँ कि गार्डन एरिया में भाई भाग दौड़ का कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हों जो कि बिग बॉस 13 के टाइम पे हुए थे टास्क, मिट्टी का टास्क और ट्रेन का टास्क और पता नहीं क्या क्या टास्क, मज़ा ही आ जाता था उनको देख के। पर अभी देखेंगे कि आखिरकार आगे बिग बॉस क्या क्या सब चीज़ें लेके आती हैं। पर अब देखते हैं कि किसने आखिरकार किसको बाहर निकाल दिया है। और तो और ये इसको कैप्टनसी टास्क भी आप ले सकते हैं, और ये अलग तरीके का कैप्टन होगा, टाइम गॉड होगा, जो कि एक मतलब कि जो कि पास्ट को भी चेंज कर सकता है, और उसको जो है और भी कुछ पावर्स वगैरह जो है बिग बॉस द्वारा जो है समय समय पे मिलती रहेंगी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि बिग बॉस ने एक वरदान दिया है विविन और एलिस को, विविन को तो मैं फिर भी मैं बोल दूं कि हाँ वो टॉप 2 होगा, पर मैं एलिस को टॉप 2 मानती नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं मानती। वो एक कोने में बैठी हुई चुगलखोर है, और लोग भी ये बात बोलते हैं कि जैसे कि कॉलेज में होती नहीं लड़कियाँ कि अपने आप को ओ माय गॉड इश मैं तो ये कर सकती हूँ, मैं तो वो कर सकती हूँ, मतलब कि अपने आप को वाओ करके मानती है, बट होती एक नंबर की डम्बो है, और उनकी एक्चुअली में कोई पर्सनैलिटी और कोई इज्जत नहीं होती। और वैसे ये नेगेटिव पर्सनैलिटी जो है तीन लोग दिखाई दे रहे हैं। तो अब जो है विवियन ने जो है अविनाश को निकाल दिया है कि भाई तू जा, तू तो पावर के लायक नहीं है, तू टाइम गॉड तू तो बन ही नहीं सकता भाई, तू तो एक्चुअली में तू तो इतनी सारी चीजें करता है, तू दयावान कैसे बनेगा, तू तो तीन आलुओं के ऊपर लड़ने लग गया कोई अगर खा रहा है। तो नायरा ने जो है रजत को निकाल दिया। अभी रजत को निकाला, अपने तो पॉइंट बताने हैं ना, पर रजत जो है चढ़ गया कि भाई सब लोग अगर बदतमीजी कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बदतमीजी कर सकता हूं, मैं तो अपने पॉइंट रखता हूं। रजत की एक बात ये है जो मतलब कि शिल्पा जी को बोलता है आप अपने पॉइंट्स क्यों नहीं रखती हो, कहीं लड़ाई होती है आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं रखती हो, उसके पीछे शिल्पा जी को फट्टू बोल दिया। और फिर जो है जब लड़ाई में आलू वाली लड़ाई में करणवीर ने बोला कि भाई शिल्पा जी के बारे में अगर स्टैंड लिया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और वहां पर आके बोला तू क्यों अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, यानी कि कन्वीनियंस के हिसाब से ये बंदा जो है कभी भी बदल सकता है। जो पॉइंट ऑफ व्यू अपना रख रहा है वो नहीं रखना चाहिए, और जो नहीं रख रहा है वो रखना चाहिए। तो भाई रजत के बारे में तो समझ में आ रहा है, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, अगर नहीं आ रहा तो मेरे पास आके जो है समझ लिया करो कि कौन कैसा है। एलिस गुणरत्ना को बाहर निकाल दिया, चलो ठीक है भाई एलिस ने निकाला, पर एलिस आखिरकार और किसको टारगेट कर सकती? सॉफ्ट टारगेट शायद इसने देखा कि भाई मेरे ऊपर जो है पर्चा ना फट जाए, बाद में जो है लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, किसी स्ट्रॉन्ग के ऊपर हाथ डालूंगी तो मैं। तो अविनाश ने भी अपना सेफ साइड खेला, पहले ही लड़ाई थी तो इसीलिए शिल्पा जी को बाहर निकाल दिया है। इनके बाद जो तो आप लोगों ने देख ही लिया है ना, सब चीज़ें आप लोगों ने देख ली है प्रोमो में। इसके बाद जो है अब मुस्कान भी बाहर हो चुकी है, विवियन भी बाहर हो चुका है, चाहत भी बाहर हो चुकी है, एलिस भी बाहर हो चुकी है, और शहजादा भी बाहर हो चुका है। और अभी तक जो है करणवीर भाई बाहर हुआ है या नहीं, करणवीर बड़े दिल जीत के जा रहा है सब लोगों का। तो आप लोग जानना तो चाहते होंगे खुशी रू तू इतना सब चीजें बता रही है, एटलीस्ट अब वीडियो को बंद करने से पहले एक चीज बता दे कि टाइम गॉड बना कौन है। तो भाई वीडियो तो मैं ऐसे ही बंद करूंगी क्योंकि टाइम गॉड ना उसके बारे में कुछ ही देर में बताऊंगी कि टाइम गॉड आखिरकार कौन बन गया और उसको क्या पावर मिली है और उसने क्या कोई पास्ट चेंज किया है या नहीं। कुछ ही देर रुक जाओ बस, उसके बाद वीडियो जो है आपके पास आ जाएगी। और कैसे आएगी वीडियो? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। इसी के साथ पहले दिन नमस्कार।